अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग, जैसे कि आपको टाइटल से मालूम पड़ ही चुका होगा, एक ट्रैवलर ओरिएंटेड व्लॉग है, ठीक है, क्योंकि मैं आज एक ट्रैवल बैकपैक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। नाम वगैरह मैंने डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता दिया होता है। चलिए शुरू करते हैं, मजीद देरी किए। ये है जी अल्पाइन बियर पाकिस्तान का बर्ड नेस्ट पाइथन, यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे ब्रांड की नेम और ब्रांडिंग भी है सीरीज की। ये जी बैग काफी अरसे से मेरे पास था, मैंने सोचा आज इसका रिव्यू करते हैं। ये तो बैग जो है मल्टीपर्पज बैग है और नॉट ओनली फॉर बाइक राइडर्स, मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ ट्रैवलर्स के लिए जो कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी जराए से सफर करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए भी ये बैग जो है काफी जबरदस्त बनाया गया है। क्यों, चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूँ। ये इसका कुछ फ्रंट लुक है, ये शोल्डर बैक पैक है, ठीक है। फ्रंट लुक पे आपको एक ये मेश नेट मटेरियल मिलता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसके अंदर आप जो है अपनी कुछ ऐसी चीजें जो इजीली एक्सेसिबल हो वो रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। ये विदाउट एक्सटेंडेड जिपर खोले कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले मैं इसका एक्सटेंडेड जिपर जो है वो रिलीज करता हूं ताकि आपको इसका अंदाजा हो सके कि ये एक प्रॉपर वन वीक या फिर 3 to 5 days के टूर का जो है लगेज बैग निकल के सामने आता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हो गया। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं बैक साइड पे। यहाँ पे आपको मिलते हैं शोल्डर स्ट्रैप्स जो कि टू वे एडजस्टेबल हैं यहाँ से भी, और बहुत जबरदस्त है यार, बहुत फर्म है ग्रिप वाइज भी, और यहां से भी ये जो है इस तरीके से लॉक हो जाते हैं। अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट बेल्ट भी दी गई है और ये भी बहुत नरम और जबरदस्त है, स्पोर्टिव है। लोअर बैक रेस्ट के लिए दिया गया है आपको ताकि अंदर जो सामान वगैरह है उससे आपकी कमर को जोर ना लगे, क्योंकि यहां पे सपोर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट के लिए है, ये एडजस्टेबल है, और यहां पे आपको अपर पोर्शन के लिए भी यहां पे पैड्स दिए गए हैं, ठीक है, ताकि आप कोई हाइकिंग वगैरह जो करने जाते हैं, हाँ ट्रैवलिंग के अलावा जो लोग हाइकिंग और के लिए जाते हैं उनके लिए भी ये बैग जो है वन ऑफ अ काइंड है। क्यों, देखिए यहां पे आपको कुछ इजीली एक्सेसिबल स्टफ रखने की जगह मिलती है, ये काफी डीप है, यहां तक कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी आप अपने इस्तेमाल की चीज जो आप इजीली एक्सेस करना चाहें। उसके अलावा साइड्स पर आए तो यहां पे आपको वाटर बॉटल पॉकेट्स मिलती हैं, ठीक है जी। बॉटल पॉकेट्स ये दोनों तरफ हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक है। अब फ्रंट पर मैं आता हूं और फ्रंट पे मैं आपको दिखाता चलूं, ये कुछ यहां से ऐसे ओपन होता है, ठीक है। यहां पे आपको एक मनी पाउच मिलता है, बेसिकली इंटरनल पॉकेट है। यहां पे आपको ये पूरा कंपार्टमेंट मिलता है, यहां पे आपको एक अंदर एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप अपनी कोई डायरी बुक या फिर टैब वगैरह कुछ भी इजीली एक्सेस के लिए रख सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा अपने पैसे अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहां पर रख सकते हैं। उसके अलावा आप अपने ग्लव्स वार्म कैप्स वगैरह कुछ भी सॉक्स वगैरह भी यहां पर रख सकते हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स पे वाटरप्रूफ पॉकेट्स मिलती हैं, ठीक है, और ये काफी डीप है। इसके बीच में आप अपना पावर बैंक, मोबाइल, ड्रोन और कुछ भी कैमरा वगैरह रख सकते हैं। एक इस जानिब है, ठीक है, वाटरप्रूफ है, अगर कैमरा फोकस करे तो ये देख लें आप, फिर ना कहिएगा कि यार दिखाया नहीं है, ठीक है जी। और यहां पे आपको मिलती है दूसरी पॉकेट जो कि ये भी वाटरप्रूफ पॉकेट है और ये भी सेम कंपार्टमेंट है, ठीक है, आपको वही इतना ही जो है स्पेस मिलता है। और यहाँ पे भी आप अपना मोबाइल फोन, अपना पासपोर्ट वगैरह या कुछ भी आप अपना जो है कैरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स के लिए बहुत जबरदस्त ये जो है पोर्शंस हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया कुछ ओवरव्यू पॉकेट्स का। अब आते हैं जी मेन कंपार्टमेंट पॉकेट जो कि आपके लगेज के लिए दिया गया है। चलिए जी, ओके, ये देखिए ये कुछ यूं निकल के आता है,
जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये लगेज बैग पूरा जो है आपका सूटकेस का काम करता है, इसमें आपके तकरीबन 5 दिन के जो है कपड़े आ ही सकते हैं। आप देख रहे हैं ये यहां से लेके यहां तक एक्सटेंडेड होने के बाद पूरे का पूरा आपका जो है लगेज बैग बन चुका है। और ये है इसकी कुल जो है डेप्थ, और इसमें अच्छे खासे आपके कपड़े आ सकते हैं। नॉर्दर्न एरियाज पे जाने के लिए बहुत मुफीद है, बाइक राइडर्स के लिए बहुत मुफीद है। इंटरनेशनल कोई टूर पे जा रहे हैं आप, तकरीबन 1 वीक के टूर पे जा रहे हैं या 2 वीक्स के टूर पे जा रहे हैं, कम से कम सामान लेकर जाना चाहते हैं, तो ये काफी अच्छा सूटेबल जो है बैकपैक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ एक और चीज आती थी, वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये एक पाउच आता है, इंटरनल पाउच इस बैग के साथ, जो कि फ्री मिला था मुझे। ये रिव्यू अब मैं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बहुत पहले से मैंने खरीदी, रिव्यू में लिंक दिया हुआ है, बॉटम पे जाकर देख लीजिएगा, अल्पाइन बियर पाकिस्तान की वेबसाइट पर। ये प्रोडक्ट अगर अब अवेलेबल है तो क्या प्राइस है, क्योंकि मैंने जिस वक्त खरीदी थी उस वक्त ये 8 से तकरीबन 60% सस्ती थी, तकरीबन 50-60% सस्ती थी, अब काफ़ी महंगी है, लेकिन ऑल दो इट्स सर्व द पर्पज। यहाँ पर ये एक पाउच मिलता था हमें, जिसके बीच में आप अपने कपड़े जो हैं, अगर आपकी फॉर्मल शर्ट्स हैं आयरन हुई हुई, तो आप उसके बीच में तह लगा के रख सकते हैं और एज इट इज आप उसको प्लेस कर सकते हैं। और एक छोटा पाउच है इसमें धोबी की गठरी के नाम से, कि जिसमें आप अपने गंदे कपड़े जो हैं वो स्टफिंग करके अंदर प्लेस कर सकते हैं, ताकि आपके साफ कपड़े और गंदे इस्तेमाल शुदा कपड़े जो हैं वो मिक्स ना हों। सो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती थी, कैरी करने के लिए भी है, इसका जिपर भी है। खैर, अब आ जाते हैं मेन कंपार्टमेंट की जानिब। दो पॉकेट साइड पे, वन ऑन फ्रंट, एक लगेज पॉकेट, ठीक है। अब क्या रह गया, अब आते हैं जी यहां पर। अच्छा, यहां पे ऊपर की जानिब एक और वाटरप्रूफ पॉकेट, ठीक है। इसमें भी आप जो है अपना ड्रोन वगैरह, अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट जो है वो रख सकते हैं। ये एक थर्ड पॉकेट है वाटरप्रूफिंग वाला। अच्छा, अब आ जाते हैं यहां पे, देयर इज अ सिक्स्थ वन, और ये है जी रियल वन। वो लोग जो बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, वो लोग जो टैकी हैं, व्लॉगर्स हैं, आजकल व्लॉगिंग वगैरह काफ़ी चल रही है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए भी ये बैग बहुत ज़बरदस्त है। क्यों, ये देखें, ये है आपका ज़बरदस्त स्टफ के साथ, प्रोटेक्शन पैडिंग के साथ 17 इंच लैपटॉप वाला कंपार्टमेंट, ठीक है। इसमें आप अपना 13 इंच, 14 इंच, 15.5 इंच और 17 इंच वाला फुल साइज लैपटॉप जो है कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और कंपार्टमेंट मिलता है, जिसमें आप अपना आईपैड, टैबलेट, पीसी वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे अंदर की जानिब इतना स्पेस है कि आप अपनी बैटरीज वगैरह, अपना ड्रोन पाउच या फिर कुछ भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा, एक अंदर यहाँ पे चीज आती है, एक पाउच है इसके अंदर दिया गया, ये पाउच देख रहे हैं। इसमें आप अपनी केबल्स वगैरह, अपनी चार्जिंग केबल्स हो गई, अपनी पेन ड्राइव्स हो गई, अपनी क्या कहते हैं उसको, आपकी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स हो गई, कुछ भी ऐसा, कुछ भी एक्स वाई जेड रखना चाहें, जिस चीज़ को आप जो है गुमाना नहीं चाहते, वो इस पाउच में। और ये वेलक्रो के साथ जो है बड़े ही आराम से यहाँ पर अंदर प्लेस हो जाता है। बहुत एक मल्टीपर्पज बैग है, ठीक है। इसके एक से ज़्यादा फायदे और जो है इस्तेमाल के जरिए निकल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें ये बैग वैसे ही यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, ये दिखा दिया। और ये कोई नॉर्मल स्टफ नहीं है कि कपड़ा रखा हुआ है, सिंगल लाइनिंग है, ये प्रॉपर पैडिंग है यार, ज़बरदस्त किस्म की, ताकि आपके इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स को खुदा ना खासा कोई बैग गिरता है या अचानक से झटका लगता है तो फौरन से नुकसान ना पहुंचे, ठीक है जी। सो अब इसको करते हैं ओवरऑल, जी तो गाइस, ये थी आज की प्रोडक्ट, ठीक है जी। अल्पाइन बियर पाकिस्तान का बर्ड नेस्ट पाइथन बैग, जिसका मैंने
लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बैग मल्टीपर्पज है और ट्रैवलर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। आई नो दैट इस वक्त इसके मुकाबले में कई प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर हैड टिल डेट। आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे, अभी तक यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास बर्ड नेस्ट का एक और बैग भी मौजूद है बाय अल्पाइन बियर, उसका भी मैं रिव्यू करूंगा। वो सिर्फ लगेज बैग है, ये तो आपका पूरा टेक स्टफ सब कुछ आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो लगेज बैग जो है उसमें आप 7 दिन के कपड़े ही लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी अपने जो है पावर बैंक वगैरह एटसेट्रा स्टफ जो है कैरी कर लिया था। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप सो यू लाइक दिस रिव्यू। इस साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे चलते चलते। साइनिंग ऑफ जॉन लॉग्स।